आयशर की ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, अगर आप इसे सिर्फ ट्रक समझेंगे तो आप बहुत गलत हैं। चलता फिरता साइंस है, ये क्या है कहानी पूरा बताता हूँ। ये देखिए हाइड्रोजन लिखा है ना, तो ये जो ट्रक है वो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती बल्कि हाइड्रोजन से चलती है। कैसे चलती है समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। आइए आप इधर ये देखिए, ये जो ट्रक है यहाँ पर देखिए टैंक दिए गए हैं, जो सिलेंडर लगे हैं उसमें हाइड्रोजन है और उसको क्या करता है, इसमें जो फ्यूल सेल है फ्यूल सेल करेगा, फ्यूल सेल हाइड्रोजन इस टैंक से हाइड्रोजन को लिया, बाहर से ऑक्सीजन को लिया और करंट बनाता है। वो करंट क्या करेगा कि अगर गाड़ी खड़ी है तो वो करंट जाएगा बैटरी में, बैटरी से फिर बाद में जाएगा मोटर में, लेकिन अगर गाड़ी चल रही है तो जो करंट आ रहा है वो सीधे मोटर की तरफ जाएगा ताकि गाड़ी जल्दी चल सके। और भी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो इसका जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली क्या कहेगा कि भाई मोटर तुम्हें मैंने दे दिया, तुम्हारा पेट भर गया, अब मैं वापस बैटरी की तरफ चल रहा हूँ। यानी फिर बैटरी भी चार्ज होगी, मोटर भी चलता रहेगा। लेकिन अगर मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी के थ्रू भी मिल रही है, बैटरी से भी इलेक्ट्रिसिटी मोटर पे जाएगी और हाइड्रोजन से ये जो फ्यूल सेल है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। यानी ये बस सीएनजी, डीजल, पेट्रोल किसी चीज़ से नहीं चलती है, ये सिर्फ चलती है हाइड्रोजन से। इसके अलावा एक कमाल का फीचर और दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। शीशा ही नहीं लगा है, कैमरा देखिए यहाँ पर लगा है, ये कैमरा और इसके बगल में रडार लगे हैं। यानी अगर कोई बगल से आदमी आएगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रडार पकड़ लेंगे, अगर अगल बगल है तो अंदर यहाँ पर वार्निंग देने लगेंगे ड्राइवर को कि भाई बगल में कोई आ रहा है तुरंत संभल जाओ, तो वो अंदर वार्निंग तुरंत मिलने लगेगी, ये रडार बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी एक कैमरा दिया है, ये देखिए ये, इससे क्या है कि अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट पर कोई खड़ा है तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत खोले और उसको चोट लग गई। ये दो दो कैमरे दिए, ये नीचे के लिए दिया है, ये पीछे के लिए दिया है। बगल में रडार लगे हैं जो कि बताते हैं अगर आपके बगल से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, खड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ड्राइवर को सबसे पहले इसकी जानकारी मिलेगी, भाई तो तुम समझ जाओ कोई पीछे से बगल से तो बहुत पास होके गया है। ट्रक अंदर से दिखा देता हूँ, कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, इसमें वार्निंग मिलती है ड्राइवर को, बहुत बड़ी सीट दी गई है, पीछे भी सीट है अगर किसी को सोना है तो। ये मैं बताता हूँ कि अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ की जो ट्रक होती हैं वो लग्जरी कार से भी महंगी होती हैं, वहाँ पर हर एक आदमी की जान की कीमत है। इंडिया में हम ट्रक ड्राइवर को हमेशा सोचते हैं कि चलो ठीक है हम का, इस ऐसी बसेस में ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी को काफ़ी ध्यान में रखा जाता है कि उसको क्या सेफ्टी चाहिए। देखिए पूरी हाईटेक चीज़ें दी गई है, पूरी इसको वार्निंग मिलती है कि देखो बगल से कोई जा रहा है, और ये सेंसर बताते हैं, ये जो स्क्रीन है वो कैमरे की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी वो चला रहा है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर बगल से कोई गुजरेगा तो अलार्म बजने लगेगा और उसमें वो देख लेगा कि अच्छा कोई बगल से आ रहा है, इससे हादसा नहीं होंगे, ड्राइवर की जान की सलामती रहेगी, एक इंसान की वैल्यू जो लाइफ की है वो बढ़ती है। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, तो इंडिया में ऐसी ट्रकों का आना मतलब कि असल मायने में एक क्रांति है जो देखने को मिल रही है, भाई ये तो बहुत बड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे वीडियो लेकर आने में बहुत मेहनत लगती है। एक चीज़ बताना भूल गया, 12 टन की इसमें लोडिंग कैपेसिटी है, 12 टन के लोड को ये ट्रक आराम से उठा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के दम पर।